हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, हम लोग क्लास 9th को कर रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे चल रहे हैं। राजस्थान जीके जो है, इन चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। इसके अलावा जो है, आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी यदि करेंगे तो इन बुक्स को पढ़ना जो है वो बेहद ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो हमने जो है 6th क्लास 7th 8th जो है इसी तरीके से कंप्लीट की है। अच्छे से हमने इनको रीड किया है और उसके बाद हमने इनके क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ है, जिन बच्चों ने ली है तो उनको पता है कि कितना ज़्यादा इनके अंदर, इन बुक्स के अंदर जो है कितना आपको जीके मिलता है। और हर क्वेश्चन जो भी मेरे द्वारा यहाँ आप लोगों को दिए गए हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनको आप उठाकर देख लीजिए, आप लोगों को सभी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण अध्याय 6 9th क्लास का, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि हम लास्ट वीडियो में देख लिया था कि राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ, तो राजस्थान के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण रोल उसी ने निभाया। 1946 में जब ये स्पष्ट होने लग गया कि भारत की स्वतंत्रता अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान जो है वो 19 रियासतों में बटा हुआ था, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। तो इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में ही जानेंगे जो अंततः इन विभिन्न रियासतों में बटे राजस्थान को एकीकृत राजस्थान के रूप में सामने लेकर आया। ठीक है, सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह। तो इन्होंने 25-26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे और इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। तो राजाओं ने भी महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता के एम मुंशी इनसे जो है वो सलाह ली, क्योंकि ये कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, तो मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक सम्मेलन जो है वो दोबारा से बुलाया 23 मई 1947 को उदयपुर में। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि जो है हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यदि यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं हैं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम नहीं आया। जयपुर के महाराजा थे मान सिंह। इनकी स्वीकृति से वहां के दीवान सर वी टी कृष्णमाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाईकोर्ट हो, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ को सौंप दिए जाएं और शेष विषय जो है वो इकाइयों के पास। तो जहां उदयपुर के महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना के बारे में सोचा, उसी तरीके से जयपुर के जो मानसिंह हैं उन्होंने भी ये चीज़ सोची। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहा कि यदि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार ना हो तो समस्या का दूसरा हल भी है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती हैं वे पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जाए, परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। तो जो छोटी रियासतें हैं वो बड़ी रियासतों में मिल जाए, लेकिन सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। तो सबसे पहले मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। ठीक है, अलवर और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से नहीं बच सकी। तो ये उसी समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान जो विभाजन हुआ, तो कुछ जो रियासतें थी जो कि पाकिस्तान में जाके मिलना चाहती थी और कुछ जो है वो भारत में ही शामिल होना चाहती थी। तो यहाँ पर अलवर भरतपुर की रियासतों में यहाँ पर जो है दंगे हो रहे थे। तो भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने का कार्य जो है वह स्वयं अलवर प्रशासन ही कर रहा है। तो भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन जो है वो भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।
भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा साबित हुआ है। इसके पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, वहां के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन जो है वो भारत सरकार को सौंप दिया। ठीक है, तो अलवर और भरतपुर दोनों का ही जो शासन था, प्रशासन, वो किसके हाथ में चला गया? भारत सरकार के हाथ में चला गया। तो सबसे पहले जो है प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण होता है, जिसमें चार छोटी छोटी रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है, और इसके साथ साथ अलवर के पास में ही नीमराणा ठिकाना, इनको जो है मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया जाता है। क्योंकि भारत सरकार के अनुसार ये कहा गया कि ये रियासतें छोटी छोटी थी, ठीक है, और इस वजह से ये पृथक अस्तित्व बनाए रखने में ये सक्षम नहीं थी, तो इसीलिए इन चारों को मिलाकर और इसके साथ ही नीमराणा ठिकाना, इसको भी मिला दिया गया और मत्स्य संघ बना लिया गया। तो ये राजस्थान का मैप है, बिल्कुल आपको अच्छे से पता है कि ये जो है वो मत्स्य संघ है, यानी कि ये है अलवर, ये है भरतपुर, ये है धौलपुर और ये है करौली, ठीक है, और यहीं पर क्या है, नीमराणा ठिकाना। अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने में योग्य नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये छोटी थी, अतः इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना दिया। इस नए राज्य का उद्घाटन जो है वो भारत सरकार के मंत्री एन बी गॉडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर और उपराज प्रमुख महाराजा करौली बनाए गए। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभा राम कुमावत जो है वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, तो सभी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखिए राजस्थान संघ का निर्माण, तो राजस्थान संघ का निर्माण जो है वो 25 मार्च 1948 को होता है। रियासती विभाग ने तारीख 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया, और ये प्रस्ताव जो है वह बिल्कुल पूरा होता है और राजस्थान संघ का निर्माण होता है 25 मार्च को। तो यहाँ राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ जो है वह भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, ठीक है, लेकिन मेवाड़ के महाराणा जो है वो सहमत नहीं थे। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के ना शामिल होने के रूप में आया, ठीक है, आखिरकार बिना मेवाड़ के ही ये संघ जो है वो अस्तित्व में आता है। तो 25 मार्च को जब राजस्थान संघ का निर्माण होता है तो उस समय मेवाड़ जो है यहाँ पर शामिल नहीं होता है, लेकिन बाद में 18 अप्रैल को जाकर मेवाड़ के महाराणा को जो है शामिल होना पड़ता है राजस्थान संघ में। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने विलय पत्र कोविनेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। बांसवाड़ा के जो महारावल चंद्रवीर सिंह हैं, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट बताई, ठीक है, अब खुद का जो है राज जब किसी के हाथों से छिन जाए तो परेशानी तो होती ही है, और यहाँ पर जो भी शासन है वो भारत सरकार के हाथ में ही आ जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से जो है हस्ताक्षर करने में ये थोड़ी हिचकिचाहट दिखाते हैं, लेकिन पड़ोसी रियासतों की सलाह पर इन्होंने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा, किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ राजस्थान के एकीकरण के समय, तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय, तो देखिए मेवाड़ के महाराणा जो बिल्कुल मना कर रहे थे कि राजस्थान संघ में जो है इनको शामिल नहीं होना है, लेकिन बाद में किसी कारणवश जो है उनको शामिल बाद में होना पड़ता है 18 अप्रैल को जाके। 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड, मेवाड़ में जो है वो गोलीकांड होता है, तो महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। किसने? प्रजामंडल ने। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी,
महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल के बचाव का उपाय सूझा। तो प्रजामंडल ने ये राय दी कि मेवाड़ के महाराणा को जो है यदि वो अलग रहेंगे तो इस चीज़ से नहीं बच पाएंगे, ठीक है। तो इस खतरे से निकलने के लिए प्रजामंडल ने इन्हें सुझाव दिया कि इन्हें राजस्थान संघ में मिल जाना चाहिए। उन्होंने सर राम मूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार की सुनहरी अवसर का इंतजार में ही था। रियासती विभाग ने यह नीति बना ली कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्री प्री वी पर्स नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक प्री वी पर्स की मांग की गई। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला और उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्री वीपर्स, 5 लाख वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्चों के लिए देना स्वीकार कर लिया। उसने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार कर लिया। तो उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासत के शासक को ये इनको नहीं दी गई थी, ठीक है। तो ये रियायतें जो है वो इनको दी गई, मेवाड़ के महाराणा को दी गई। मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल रियासती विभाग ने मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने जो है वो राहत की सांस ली। कोटा में राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी है, कई राजा महाराजा अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, अतः समारोह निर्धारित तारीख को ही संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया और 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एन वी गॉडगिल ने कोटा में नए राज्य का उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख और गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलवाई, ठीक है। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पद पर कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। महाराणा ने माणिक्यलाल वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राज प्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया और 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए उदयपुर पहुंच गए, ठीक है। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ लें और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे और सर राम मूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर लें। पंडित नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ ही साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद वर्मा ने अपनी इच्छा अनुसार जो है वो मंत्रिमंडल का गठन किया। तो जब उदयपुर से जब लौटे थे माणिक्यलाल वर्मा, तो संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख थे कौन? भूपाल सिंह। तो इन्होंने जो है मंत्रिमंडल निर्माण की जो है इनसे चर्चा की और ये कहा कि मंत्रिमंडल में जागीरदारों को जो है वो प्रतिनिधित्व दें, ठीक है। तो वर्मा ने उस समय जो है वो उनको मना कर दिया, ठीक है। बाद में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ जो है वो वर्मा जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अपनी इच्छा अनुसार जो है वो मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अल्पावधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय जो है वो किसको गया? माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व और उनके तपे तपाए सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। आगे देखिए वृहत राजस्थान का
निर्माण। तो यहाँ पर वृहत राजस्थान जो है, जहाँ पर बड़ी बड़ी रियासतें जो हैं, इनको मिला दिया जाएगा, ठीक है। तो वृहत राजस्थान का निर्माण जो है कब होता है, 30 मार्च 1949 को किया जाता है। तो ये चौथा चरण है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहत राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी कि अब जो है, जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, अब उनको भी मिला दिया जाए, ठीक है, और वृहत राजस्थान का जो राज्य है उसका निर्माण किया जाए। परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यवहारिक जो है वो कठिनाइयां थी। प्रदेश में जोधपुर बहुत बड़ी रियासत है, जयपुर, बीकानेर कैसी रियासतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं जो कि पाकिस्तान से मिली हुई हैं, जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता है, ठीक है। तो ये रियासतें थार का विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों के आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। अतः रियासती विभाग इन रियासतों को वृहत राजस्थान में शामिल करना चाहता था, ठीक है। तो वृहत राजस्थान में ये बड़ी बड़ी रियासतें यदि शामिल हो जाएंगी, तो बाहर से जो आक्रमण होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो वो नहीं हो पाएंगे। दिसंबर 1948 के प्रथम सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसमें इनकी सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाओं से वृहत राजस्थान का निर्माण के लिए विचार विनिमय शुरू किया। तीनों शासक अपनी अपनी रियासतों को पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। अंततोगत्वा कई बैठकों के बाद वीपी मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने में सफल हो गए। जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इसके बाद इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया कि जयपुर के जो महाराजा हैं सवाई मान सिंह, इनको जीवन पर्यंत जो है वो राज प्रमुख बनाया जाए, और उदयपुर के जो प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को देखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को जो है वो महाराज प्रमुख का सम्माननीय पद दिया जाए, ठीक है। तो वृहत राजस्थान में ये चीज जो है वो हुई कि जो मानसिंह थे जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया, और उदयपुर के जो महाराजा थे कौन, भूपाल सिंह, तो इनको महाराज प्रमुख का सम्माननीय पद दिया गया। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए। इस बैठक में राजधानी का मसला कि अब राजधानी जो है वो किसे बनाया जाए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर इस विचार को छोड़ दिया गया। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति, सत्यनारायण राव समिति, ठीक है, तो सत्यनारायण राव समिति जो है वो नियुक्त की। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सत्यनारायण जो समिति है, उसी की सिफारिश पर जयपुर को, बृहत जो राजस्थान है उस समय जयपुर को राजधानी बनाया गया। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली और जयपुर को जो है राजस्थान की राजधानी जो है वो घोषित कर दिया। हाई कोर्ट जोधपुर में रखा गया, शिक्षा बीकानेर में हो, खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग जो है वो उदयपुर में बनाया जाए, वन और सहकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया, ठीक है। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एक तो वृहत राजस्थान जो है उसका उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कब, 30 मार्च 1949 को, ठीक है। कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल की गई, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, ठीक है। और इसी समय जो है वो
जोधपुर में हाई कोर्ट होगा, शिक्षा विभाग बीकानेर में होगा, खनिज एक्साइज कस्टम और एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन सहकारी विभाग कोटा में और कृषि विभाग भरतपुर में बनाया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का भी निर्णय लिया गया। हीरा लाल शास्त्री को इस वृहद राजस्थान का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और हर फैक्ट जो है जो कि एग्जाम में आ भी चुके हैं और आगे भी आएंगे। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही साथ राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही जो है वो अब समाप्त हो गई। मेवाड़ के गुहिल, सिसोदिया, जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कछवाहा, बूंदी के हाड़ा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंश में से थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राज प्रमुख के नवसृजित पद रह गए। ठीक है, अब तो राजाओं का जो अलग अलग शासन था हर रियासतों में, अब वो समाप्त हो गया। अब यहाँ पर केवल राज प्रमुख पद जो है वह है बनाया गया। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपालों के समकक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो जो हम देखते हैं इस समय राज्यपाल या गवर्नर, ठीक है, तो ये जो राज प्रमुख थे ये इन्हीं के जो है वो बराबर थे, ये जो पद था वो इन्हीं के बराबर था। तो देखिए, मत्स्य संघ का विलय, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की रियासतों का एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया। अब जबकि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतें जो हैं वो राजस्थान में शामिल हो गई, तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं था। ठीक है, तो मत्स्य संघ जो कि 18 मार्च 1948 को केवल 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये जो है शामिल हुई थी। ठीक है, अब ये अलग रह गई थी। बाकी हम देखते हैं कि लगभग जो पूरा राजस्थान है तो वो पूरा शामिल हो गया था। ठीक है, तो इन रियासत तो इन्होंने क्या कहा कि जो मत्स्य संघ है वो एक अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अब सेंस नहीं है, तो इन रियासतों को भी वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर राय देव समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो हमने देखा था जयपुर को जो है राजधानी बनाया जाए, कौन सी समिति थी? सत्यनारायण राव समिति, है ना। और शंकर राव देव जो समिति है इसने निर्णय लिया कि मत्स्य संघ को भी जो है अब इसमें मिला दिया जाए। किसमें मिला दिया जाए? वृहत राजस्थान में। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दी गई। वहां के प्रधानमंत्री शोभा राम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चार्ट है कि सबसे पहले जो है वो प्रथम चरण में मत्स्य संघ जो है वह बनाया गया, रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और साथ में नीम राणा जो ठिकाना जो है वह भी इसमें शामिल हुआ 18 मार्च 1948 को। दूसरा चरण राजस्थान संघ का आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक रियासतें शामिल हुई। मेवाड़ को भी इसमें शामिल करने का जो है सोचा गया लेकिन वो नहीं हो पाया। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा जो हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं। तो 25 मार्च 1948 को जो है राजस्थान संघ का निर्माण होता है। फिर देखिए तीसरा जो चरण रहा संयुक्त राज्य राजस्थान, तो यहाँ मेवाड़ जो है जो नहीं मिलना चाहता था लेकिन बाद में हमने देखा कि मेवाड़ के महाराणा जो हैं वो राजस्थान संघ से जुड़ जाते हैं 18 अप्रैल 1948 को। फोर्थ चरण आया वृहत राजस्थान, जिसमें जो बड़ी बड़ी रियासतें थी बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, तो ये जो है संयुक्त राजस्थान में जो है वो मिल जाती हैं। क्यों मिल जाती हैं? क्योंकि पाकिस्तान का जो विषय था वो इनके लिए सबसे समस्यात्मक था। ठीक है, तो इस वजह से ये अलग अस्तित्व नहीं रखना चाहती थी और ये सभी जो है वो शामिल हो गई 30 मार्च 1949 को। ठीक है, तो कुछ ही जो है भाग रह गया था राजस्थान का और लगभग पूरा राजस्थान हो गया था यहाँ पर, तो इसीलिए राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये चीज़, आप याद रखेंगे। और इसी समय जो है जयपुर को क्या बनाया जाता है? राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइनें हैं चौथे चरण में। पांचवा चरण जो है संयुक्त वृहत राजस्थान, तो वृहत राजस्थान से मत्स्य संघ जुड़ता है। मत्स्य संघ जो एक अलग इकाई के रूप में अब नजर आ रहा था,
इसको भी शामिल कर लिया गया 15 मई 1949 को। फिर देखिए नेक्स्ट जो चरण है छठवां चरण संयुक्त राजस्थान का, तो यहाँ पर संयुक्त राजस्थान जो है संयुक्त वृहत राजस्थान में जो है सिरोही का विलय कर दिया गया। तो जो गोकुल भाई भट्ट हैं उनके प्रयासों से सिरोही जो है संयुक्त राजस्थान में शामिल हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। सातवां चरण जो है वो 1 नवंबर 1956 को होता है पुनर्गठित राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान में सभी रियासतें जो हैं वो शामिल हो चुकी थी। गैस श्रेणी का अजमेर राज्य, आबू रोड तालुका, सिरोही रियासत का पूर्व में बंबई राज्य में मिला हिस्सा, और मध्य भारत का सुनील टप्पा जो है वो संयुक्त राजस्थान से जुड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी सिफारिश के आधार पर सिरोही का जो माउंट आबू वाला जो हिस्सा था वो गुजरात से निकल कर जो है वो राजस्थान में शामिल हो जाता है। फिर देखिए सिरोही का प्रश्न। ठीक है, तो सिरोही को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी आती है कि सिरोही जो है उसको किसमें मिलाया जाए। ठीक है, तो गुजरात के जो नेता हैं वो सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। ठीक है, तो हर कोई जो है इसको शामिल करना चाहता था। रियासती विभाग जो है उनके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवंबर 1947 में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी का अंतर्गत कर दिया। तो यहाँ पर जनता भी नहीं चाहती थी कि वो गुजरात में मिले, लेकिन फिर भी जो है सिरोही को गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, रियासती विभाग ने, सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को जो है बम्बई में भी ना मिलाया जाए, संयुक्त राजस्थान में ही मिलाया जाए। ना तो बम्बई में मिलना चाहती थी ना ही गुजरात में। तो कुछ ही दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया था। तो इस अवसर पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल के जो है तार में यानी मैसेज जो है वो लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि ये जानकर जो है प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। तो इससे जो है सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी अवश्यंभावी हो गया। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट जो कहाँ के थे, यहीं के थे। तो बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं को अवगत कराया। ठीक है, पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हातल और कुछ अन्य स्थान को छोड़ दिया, बाकी सिरोही को जो है गुजरात में शामिल कर दिया। ठीक है, तो अब जनता तो भड़केगी ही। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ और ये आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका जो है वो पुनः गुजरात से निकाल कर राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर का विलय देखिए किस तरीके से हुआ। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव ये मांग रही कि वृहद राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें बल्कि अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 के आम चुनावों के बाद वहां हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहां का नेतृत्व तो यह दलील देने लगा था कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र साथ ही अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया और इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 में 18 मार्च को जो स्टार्ट हुई वो 1 नवंबर 1956 को पूरी होती है। तो इस तरीके से चैप्टर जो है वो भी आपका कंप्लीट होता है। राजस्थान का एकीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न तो आता ही है। ठीक है, नोट्स जो भी बच्चे बना रहे हैं बनाते चलिए, अभ्यास प्रश्न चलिए फटाफट से इनको हल कर लेते हैं और आप लोग जो है फटाफट से इनके आंसर जो है वो देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न
जो कि आप लोगों के लिए ही है, और ये जो है प्रश्न जो कि आपका होमवर्क है, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। राजस्थान संघ के निर्माण की जो योजना है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, ठीक है? तो ये होमवर्क है आपका, ये आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ का निर्माण किन देसी रियासतों को मिलाकर हुआ? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है? और नीम राणा क्या था? ठिकाना, वो भी इसमें शामिल होता है। 18 मार्च 1948 को मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ? तो मेवाड़ का जो विलय यानी उदयपुर जो है वो कब जुड़ा? राजस्थान संघ से जो है वह जुड़ता है, और उसके बाद संयुक्त राजस्थान जो है वह उसका निर्माण होता है। तो 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है? वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो वृहत राजस्थान जिस समय हम राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च 1949 को, ठीक है? तो इसमें जो है बड़ी रियासतें जो थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है? तो ये राजस्थान से जुड़ जाती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई थी, इसका चयन करने की समिति किसकी अध्यक्षता में बनी? तो समिति कौन सी थी? सत्यनारायण राव समिति। किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो यहाँ पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो चाहते थे कि जयपुर जो है वो राजधानी बनाई जाए, ठीक है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ के निर्माण का घटनाक्रम को समझाइए। तो जो है हमने अभी पढ़ लिया है कि किस तरीके से जो चारों रियासतें थी वो मिली थी। मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय जो है वो किस प्रकार हुआ? तो यहाँ पर जो महाराणा थे उदयपुर के, मेवाड़ के भोपाल सिंह, किस तरीके से शामिल पहले नहीं होना चाहते थे, बाद में जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर उन्होंने कर दिए थे। फिर देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाइए। तो यहाँ पर सिरोही जो कि गुजरात के नेता क्या चाहते थे कि सिरोही जो है वो गुजरात में शामिल किया जाए, ठीक है? जबकि सिरोही की जनता जो खुद चाहती थी कि वो राजस्थान में ही शामिल हो। तो ये जो है वो आप लोग अच्छे से बताइएगा, क्योंकि हमने अच्छे से ये पढ़ा है कि बाद में जो है सिरोही को जो है वो राजस्थान में किस तरीके से शामिल किया गया। निबंधात्मक प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये पूरा ही आ जाएगा चैप्टर, राजस्थान के एकीकरण में तत्कालीन केंद्र सरकार की जो है भूमिका क्या रही? तो यहाँ ये दो प्रश्न जो हैं वो पूरा चैप्टर कवर करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है वो चैप्टर कंप्लीट किया है, और अब एक लास्ट चैप्टर ही बचता है आपका, चैप्टर नंबर 7, राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे करेंगे, तब तक आप जो है वो अच्छे से चैप्टर को पढ़िए। एक बार पढ़ने पर कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, इसीलिए कम से कम 2-3 बार चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से आराम से जो है इन चैप्टर को पढ़िए। थैंक यू।